नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली से बड़ी खबर के साथ। बीजेपी संसदीय दल की बैठक जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में मौजूद हैं। विपक्ष को जवाब देने के लिए रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। तो दिल्ली से बड़ी अपडेट, बीजेपी संसदीय दल की बैठक चल रही है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। इस बैठक में जवाबों पर मंथन किया जा रहा है कि किस तरीके से विपक्ष को जवाब दिया जा सके और उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। और इसी के साथ सत्ता पक्ष की तरफ से भी तैयारी हो रही है, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में मौजूद हैं और चर्चा की जा रही है कि किस तरीके से जवाब देना है विपक्ष को। और इस पूरी तैयारियों के बीच ये बैठक लगातार चल रही है, रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी बैठक बुलाई गई है, जिसमें सरकार को घेरने के लिए एक तरफ रणनीति बन रही है, तो वहीं सत्ता पक्ष जवाब देने के लिए भी रणनीति पर मंथन कर रहा है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं के रुख करते हैं। पीयूष, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में मौजूद हैं और जवाबों पर मंथन किया जा रहा है किस तरीके से विपक्ष का जवाब देना है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो संसद भवन की लाइब्रेरी बिल्डिंग में ये संसदीय दल की बैठक चल रही है और इसमें इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस बैठक में बीजेपी चीफ यानी कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। निश्चित रूप से आप देखिए, जिस तरीके से विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर केंद्र सरकार पर हमलावर है, चाहे अडानी मुद्दे को लेकर बात करें या राहुल गांधी को लेकर जिस तरीके से हमलावर है, उसके बाद किस तरीके से विपक्ष को सदन में जवाब देना है इसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी कि जो विपक्ष अडानी मामले पर जेपीसी की मांग कर रहा है, इसके अलावा राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद से लगातार जो विपक्ष है वो हमलावर है। आज विपक्ष ने की ओर से अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने भी अपने सांसदों की बैठक बुलाई है। तो आज संसदीय दल की जो बैठक हो रही है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, तमाम जो सांसद हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं और एक रणनीति बनाई जा रही है कि जो विपक्ष कह रहा है, जिस तरीके से आरोप लगा रहा है और खासतौर पर जब हंगामा हो रहा है तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं यानी कि जो केंद्र सरकार में चाहे वो मंत्री हो या वो सांसद हो, वो किस तरीके से संसद में जवाब दें विपक्षी जो आरोप लगा रहे हैं विपक्षी सांसद। क्योंकि आप देखिए, जिस दिन से बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है, एक के बाद एक हंगामा हो रहा है, चाहे अडानी मुद्दे को लेकर बात करें, राहुल गांधी की स्पीच को लेकर बात करें, या अब कल जिस तरीके से राहुल गांधी को जो उनका सरकारी आवास है वो खाली करने का नोटिस दिया गया है, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि आज भी जो कांग्रेसी सांसद हैं वो इस मुद्दे पर सदन में हंगामा कर सकते हैं। ऐसे में आज की जो बैठक है, जो संसदीय दल की बैठक बीजेपी ने बुलाई है, काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि खुद इसमें मौजूद हैं, तो निश्चित रूप से अपने जो तमाम जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्र जरूर देंगे कि किस तरीके से विपक्षी दलों को जवाब देना है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे कुछ महत्वपूर्ण विधेयक भी हैं जिसको पारित करवाना है, जो कि जनता से के हित में जुड़े हुए हैं, तो उसको किस तरीके से पारित कराया जाए। इसके अलावा सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के पास, लोकसभा स्पीकर के पास, कि सदन को सुचारू रूप से किस तरीके से चलाया जाए, क्योंकि लगातार जो है सदन की कार्रवाई बाधित हो जा रही है, स्थगित करना पड़ रहा है। और विपक्ष की बात करें तो लगातार, चाहे वो कांग्रेस हो या विपक्षी दल हो, लगातार सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दों के साथ कहीं ना कहीं रणनीति बना रहे हैं कि सरकार को चाहे अडानी मामले पर घेरना है, राहुल गांधी के मामले पर घेरना है, अन्य कई बातें कही जा रही हैं। क्योंकि कल भी आपने देखा है किस तरीके से काले कपड़े पहनकर तमाम जो कांग्रेस के सांसद हैं या कांग्रेस के अलावा अगर हम बात करें और अन्य विपक्षी दलों के सांसद हैं, उन लोगों ने संसद भवन से लेकर विजय चौक तक मार्च निकाला था। तो सरकार को घेरने की कवायद जो है वो विपक्षी दल कर रहा है। ऐसे में जो संसदीय दल की बैठक बीजेपी की ओर से बुलाई गई है, केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो तमाम जो मंत्री हैं, जो सांसद हैं, वो इसमें मौजूद हैं और एक रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरीके से विपक्ष को जवाब देना है। बिल्कुल, तो देखिए, महत्वपूर्ण ये बैठक है, इस बैठक पर भी नज़र बना के रखिएगा पीयूष। और महत्वपूर्ण यही है कि किस तरीके से सदन की कार्यवाही जो है सुचारू रूप से चल सके, ताकि उपयोगी हो, कई बड़े विधेयक जो है इसके माध्यम से पारित हो पाए। ठीक है, नज़र बना के रखिएगा, बहुत शुक्रिया आपका पीयूष।